हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रुखसार और आप देख रहे हैं रुखसार व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपको मेरी इस वीडियो से फायदा मिल सके। आज मैं बात करूंगी ग्लूटामैक्स वाइटनिंग क्रीम पर। तो ये कुछ इस तरह से नजर आती है, ग्लूटा मैक्स वाइटनिंग क्रीम। तो ये आपके फेस को वाइट बनाती है और आपके फेस की, और इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपके फेस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते। कोई इसमें ऐसे केमिकल नहीं है कि आपके आपको इसके छोड़ने के बाद आपको इससे नुकसान आपकी स्किन पर होंगे। तो आप इसे जितना मर्जी यूज़ करें, इसे आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत इन्हेंस करते हैं, बहुत आपको वाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अच्छा ये एक फॉर्मूला है। तो जो लोग फॉर्मूला क्रीम यूज़ करते हैं, तो अगर वो फॉर्मूला क्रीम छोड़ कर इसे लगाएंगे तो उनको इतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ केमिकल्स वाली के फार्मूला क्रीम्स होती हैं। और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत एक नेचुरल किस्म का ये फार्मूला है। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन वाइट करती है। इसके ये ग्लूटामैक्स बहुत ही अच्छी एक वाइटनिंग क्रीम है। तो आप इसके ग्लूटामैक्स के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सोप भी आता है, तो जो इसका सोप बहुत बेस्ट है, बहुत क्रीमी सॉफ्ट है। इसका ये क्रीम थोड़ी सी है, ड्राई है थोड़ी सी। ये क्रीम आप अगर अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी ये ड्राई क्रीम है। और अगर आप इसका सोप इसके साथ यूज़ करेंगे तो इससे आपको बहुत डबल बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा। और इसका जो सोप है वो बहुत क्रीमी है, तो इसका और सोप दोनों यूज़ ज़रूर करें। इसी से आपको दोनों चीज़ें आप अगर यूज़ करेंगे तो उससे ही आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप सोप यूज़ नहीं करें, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि आप इसे इसके बाहर इससे पहले अपनी स्किन को, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो वो इसे डायरेक्ट अप्लाई मत करें। इसे पहले अपनी स्किन को कोई भी मॉइस्चराइज लोशन लगा लें या कोई मॉइस्चराइज क्रीम लगा लें, तो उसके बाद आप इसे अप्लाई करें। क्योंकि अगर जिनकी स्किन ज़रा ड्राई है तो ये क्रीम उसे मज़ीद ड्राई कर देगी। अगर आप इसके साथ आप इसका सोप यूज़ करते हैं तो उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो इसके साथ आप इसका सोप ज़रूर यूज़ करें, तो उसी से आपको आपकी स्किन अगर ड्राई है तो सोप ज़रूर यूज़ करें, तो उससे आपकी स्किन ड्राई बिल्कुल नहीं होगी। और इसके साथ इसके ग्लूटामैक्स के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, वो भी वाइटनिंग के लिए हैं। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस क्रीम के साथ, नहीं तो आप इसे क्रीम को भी सिर्फ क्रीम ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सिर्फ ग्लूटामैक्स के आप कैप्सूल ही यूज़ कर सकते हैं। इसका सिर्फ इसका सोप भी यूज़ कर सकते हैं, सोप भी इसका बहुत वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। तो आप अगर आप चाहें तो ये तीनों चीज़ें भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं कि इसका सोप से पहले फेस वॉश कर दिया, फिर ये क्रीम लगा ली, और साथ इसका एक टैबलेट एक कैप्सूल भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा वाइटनिंग मिलेगी, तो लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये कॉस्टली है। ये तकरीबन काफ़ी एक्सपेंसिव क्रीम है। ये आपको 1500 में किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी। सोप इसका तकरीबन 500 का मिल जाएगा, और जो ग्लूटामैक्स के जो कैप्सूल हैं वो उसका तकरीबन प्राइस का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, तो वो भी अगर आप किसी भी फार्मेसी से जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम लगाने से आपकी स्किन डैमेज हो गई है, तो आप इस तरह की अच्छी ब्रांड की क्रीम्स लगाएं कि उससे आपकी स्किन पर कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगर फार्मूला क्रीम लगाने के बाद आप इसे लगाएं, क्योंकि इसका जो है ना इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, तो ये आपकी स्किन को एकदम से वाइट नहीं करती। ये आप इसकी तकरीबन 2 डिबियाँ यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आपको जाके कोई अपनी स्किन को फेयर आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन फेयर होना शुरू हो गई है। तो 1 डिब्बी से तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी स्किन फेयर हो गई है या नहीं। जैसे जैसे आप इसकी 2-3 डिब्बियाँ यूज़ करेंगे तो उससे आपकी स्किन काफ़ी हद तक वाइट हो सकती है। तो केमिकल क्रीम्स ऐसी होती हैं कि वो आप लगाएं और फौरी आपका कलर वाइट कर देती है, उसके बाद आप उसके नुकसान भी काफ़ी होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।